दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। वैसे तो पंजाब में हर त्यौहार बड़े ही उत्साहपूर्वक व खुशी से मनाया जाता है, लेकिन बसंत के त्यौहार को लेकर पंजाबियों में कुछ ज्यादा ही उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस त्यौहार में बच्चों द्वारा चाइनीज डोर का इस्तेमाल होने से इस त्यौहार का उत्साह कम हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा इस डोर पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि इसके कारण कई जानलेवा हादसे घटित हो चुके हैं। पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदी के दौरान फिरोजपुर शहर के बाजारों में अभी भी इस डोर को खुलेआम बेचा जा रहा है। जब इस संदर्भ में फिरोजपुर के जिलाधीश DPS खरबंदा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जल्द ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार से अपील करता हूं कि जो बाजार में चाइना डोर आ रही है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे आज तक बड़े बच्चों की जान जा चुकी है, आने वाले समय में बहुत और भी नुकसान ज्यादा हो सकता है। मैं खुद इस चाइना डोर का जख्मी हो चुका हूँ इसमें, इस करके मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कीजिए, जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं। नमस्कार। डोर असी बैन करती है, उसे असी सरकार को हिदायत आ गई है। मैं 144 दे ऑर्डर करते ने, ते उदे च कोई भी बंदा जड़ा हैगा, जे बेचन वाला भी ते खरीदन वाला भी, उदे अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होएगी। मेरी गल जिहड़ी तुहाडे राहीं कोई सुन रहा है और वो अपना बाज आ जाण, क्योंकि ये थोड़े जे अपना खुशी के कारण आपां लोकां दी जान आपां गवा बैठने हैं।